मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकासुते जिस्वभावाय भावाय सर्वि भावांतरच्छिदि वंदितु सर्व सिद्धे ध्रोमचल मणोभवम गदीपति गोचामी समय पाहुण मैं वो सुध केवली वणिदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज में मोक्षाधिकार इसमें पेज नंबर है 413। आचार्य कुंदकुंद देव की ये अद्भुत रचना है और इसके टीकाकार हैं अमृत चंद्राचार्य देव और इस आत्मख्याति टीका और कुंदकुंदाचार्य देव की रचना का एकमात्र उद्देश्य है कि इस जीव को अपने चैतन्य तत्व का कैसे श्रद्धा। तो आज अपन को मोक्ष अधिकार पढ़ना, अधिकार का नाम मोक्ष अधिकार, और बात करेंगे मुक्त स्वरूप, जो बंधा ही नहीं है, जिसे छूटना भी नहीं है, वो तत्व तो दिखाएंगे। और नाम क्या है? मोक्ष अधिकार। और मोक्ष अधिकार में भी क्या बताएंगे कि आत्मा कभी बंधा ही नहीं, बंद के काल में भी भगवान आत्मा बंद से रहे, अलौकिक बात है। जबकि तो अपन ने कल 3 गाथाएँ पढ़ी थी, इसकी भावानुवाद फिर से पढ़ रहे। 413 पेज पर भावानुवाद। कोई पुरुष चिर काल से आबाद हो कर बंध के तीव्र मंद स्वभाव एवं काल जानता, किंतु यदि वह बंद का छेदन न कर छूटे नहीं तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को जाने कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। कब छूटता है अजीव? एक बंद के बारे में जानकारी होने से, बंद के बारे में चिंता करने से भी बंद से नहीं छूटता। फिर से, बंधन में बंधा व्यक्ति कैसे छूटता है? कि बंद के बारे में चिंता करे तो नहीं छूटता है, और बंद का ज्ञान हो तो भी नहीं छूटता। तो फिर कैसे छूटता है? कि बंद के अभाव का उपाय करे तो छूटता। तो बंद के अभाव का उपाय क्या है, ये बताना है इस ग्रंथ। ये पेज नंबर 414 का बीच में है बड़े अक्षरों। आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है। कोई कहता है कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है, किंतु यह बात ठीक नहीं। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बीड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है,
उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं। अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि बंध एक तत्व है, मोक्ष तत्व कहते हैं, एक बंध तत्व और एक मोक्ष तत्व। मोक्ष किसे कहते हैं? छूटने को मोक्ष कहते हैं। डॉक्टर किससे छूटना है? पंकज भैया किससे छूटना है? बंध से। कि बंध क्या है? कि आपने किससे संबंध बैठा ले, उसे कहते हैं बंध। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है तो कोई किसी से बन सकता ही नहीं, परंतु पूरा बंधा हुआ है जीव। मुक्त स्वरूप होने पर भी बंधा हुआ है और बंधन होने पर भी मुक्त है और ज्ञान कुछ भी नहीं समझ में आया। जैसे आप बाबूजी अभी आए यहाँ 2 बजे आए, तो आपका घर कहाँ है? गुवारा है। तो वो घर कहाँ से है? गुवारा से है। तो गुवारा का घर और आप अलग अलग हो कि नहीं? अलग अलग। तो अभी मेरा घर है तो वो काय से बंधा है जीव? घर से बंधा है कि ममत्व से बंधा? तो छूटेगा तो काय से छूटेगा? घर से कि ममत्व से? गजब की फिलॉसफी है। सिर्फ जिनेन्द्र देव के शासन। ये जीव समझता है कि जैसे हमें मुक्त होना है तो कुछ करना पड़ेगा। कि तूने भ्रम से अपने को किसी से संबंध जोड़ रखा, मेरी वाणी और देह यह मम विकार है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, मेरी बेटा बेटी, दुकान धंधा, मेरा शरीर, कितनी लंबी लिस्ट लिखी दौलत राम जी, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राग, ये सब मोह की आवाज़। और आचार्य देव कहते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मना। तो ये स्वभाव को भूला, अब जब अपने स्वभाव को अपनापन देना भूला, तो अब जिसे भी जिससे उसका प्रयोजन सत्ता होगा यानी ज्ञान में और भोग में, उनसे संबंध बिठा ले। सबसे पहले शरीर से संबंध, सबसे पहले। क्यों है शरीर से संबंध? क्योंकि 5 इंद्रियों के बहाने यानी इनके निमित्त बनने पर इस पर सादी विषयों के प्रति जानकारी और इनका सेवन करने का भूख का भाव, इस शरीर में बनी हुई 5 इंद्रियां इसके जानने में निमित्त और भोगने में निमित्त, इसलिए सबसे पहला संबंध इसका देह से। और जिस घर में देह रहती है वो घर अपना, और जिस इस देह से जो पुत्र पुत्री का संबंध बना वो अपने बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार। और जब दीक्षा लेता है दे भाई तो मान लो कैसा कह के कैसे बुलाते, जाओ घर में बोल के आओ कि हे देह को रमाने वाली रमणी, तू मेरी रमणी नहीं है, मैं अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ। देह के जनक तुम मेरे जनक नहीं हो, देह की जननी तुम मेरी जननी नहीं हो, ऐसा कनेक्शन तोड़ के आओ तब दीक्षा। यहाँ यही कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष चाहिए कि नहीं, कि साहब कौन आतंकवादी ने पकड़ लिया हो तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता छूट? नदी में डूबता हुआ व्यक्ति के क्या भाव होते, कैसे निकल जाए? मरते समय व्यक्ति को तड़पन होती ना, तो ऐसा लगता है कैसे छूट जाए, कैसे छूट? तो ये कह रहे हम छुड़ाने के लिए छूटता है उसे कहते मोक्ष तत्व, बंधन बंध तत्व। तो बंधा कैसे समझ में आए? ये ग्रंथ है पंकज भी बताना, ये ग्रंथ है, ये बुक स्टॉल में है ना, 50 रुपये का ग्रंथ। तो ये ग्रंथ किसका है? बुक स्टॉल का है कि हमारा? और जैसे ही हमने 50 रुपये दी डॉक्टर साहब, ये किसका हो गया? अपना हो गया। और हमने किसी को भेंट किया तो ये किसका हो गया? तो ये है किसका? जहाँ खड़ा हो जाता है वो अपना मानने लगता, और जबकि पुद्गल से पूछो पुद्गल किसी का है? इस तरह से संसार चल रहा, बिना मतलब का संसार है। ये कहते मोक्ष भी बहुत सरल है, ये विधि समझ में आ जाए कि हम बंधे कैसे हैं तो छूटना भी वैसे ही हो जाए। हमने एक कथा सुनी थी, चाहे पंडित जी ने सुनाई हो, जैसे 99 ऊँट को बांधने के लिए तो खूंटी भी थी और रस्सी भी थी, और एक ऊँट की रस्सी और खूंटा नहीं मिल रहा था, तो वो व्यक्ति परेशान था। तो एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ने बोला कि तुम नाटक करो, खूंटी को गाड़ो
और रस्सी को बांध दो। बाबू जी खूंटी है कहाँ? कि नहीं खूंटी नहीं, नाटक करो कि खूंटी गड़ गई और फिर उसके गले में ऐसा ऐसा करो, तो वो व्यक्ति मूड समझेगा कि मैं बंधा हूँ। अब रात भर आप निश्चिंत रहना, वो सवेरे तक बंधा रहे। और सवेरे क्या हुआ कि 99 ऊँटों की खूंटी निकाल ली और बंधन निकाल दिया, छोड़ दिया, 100वें ऊँट को भूल गया। तो देखा कि 99 तो चलने लगे और एक वो झांका था बैठा। तो वो क्यों नहीं चल रहा भैया? बता वो बंधा है कि छूटा हुआ है? ये है मुक्ति का उपाय, इतना सरल है। और नहीं समझ में आए तो बहुत पसीना निकल आए, अरे वज्र सब नाराज सहनन, वो घर छोड़ना पड़ेगा, उपवास एकासन तपस्रण करना पड़ेगा, मुनि होना बहुत कठिन लगेगा। और जब ट्रिक समझ में आ जाए तो ऐसा लगेगा इतना सरल, ये जीव बंधा ही नहीं है तो इसे मोक्ष भी कराना नहीं पड़ता। जो निर्बंध देखता उसको मोक्ष हो जाता। पहले नंबर तो दृष्टि मोक्ष होती। 5 मोक्ष सुने? एक तो दृष्टि मोक्ष, दूसरा कषाय मोक्ष, तीसरा जीवन मोक्ष, चौथा देहादि कर्मादि से मुक्त, और 5वां स्वरूप से मुक्त। फिर से पहला मोक्ष क्या विद्या भाई? दृष्टि मोक्ष। सबसे पहला दृष्टि बदलती है, स्वरूप को मुक्त देखता है कि ज्ञान स्वभाव किसी से बंधता ही नहीं। कैसे? यदि ज्ञान ही बंधने लगे तो फिर जानेगा कौन? बंधन के काल में भी ज्ञान बंधता नहीं है, बंधन को भी जान। तो पहला होता है, सबसे पहला दृष्टि परिवर्तन, नज़र पलट के। एक गरीब घर की लड़कियाँ करोड़पति अरबपति के घर में जाएगी तो उसकी नज़र बदलती है, तो अभी रहेगी खड़ी यहीं और उसे महसूस होने लगेगा मैं अरबपति करोड़पति, नज़र पलटने का। समझ जी ऐसा उदाहरण देते कि आसाराम बापू को कलेक्टर निर्दोष सिद्ध कर दे, तो अभी सैटरडे है 6 बजे बताया हमने कि आसाराम जी को अब सब कर्मचारियों की छुट्टी हो गई चले। दूसरे दिन संडे है, बंद रहेगा फिर नहीं निकल पाए। तो तीसरे दिन 15 अगस्त है, फिर नहीं निकल पाएगा। परंतु वो फीलिंग कैसी करेगा, मैं तो छूट गया। अभी संयोग से देखने वाले क्या देखेंगे? आसाराम बंधा, और वो आसाराम क्या महसूस करने लगा? मैं तो छूट गया, हार्डर आ गया वहाँ से, निर्दोष हो। ऐसे ही आचार्य देव कहते, जिस समय शरीर है, जिस समय कर्म है, जिस समय राग है, उस समय भी आत्मा का ज्ञान स्वभाव बंधा है कि मुक्त है? उस समय भी मुक्त है जिस समय शरीर है, कर्म है और राग। ये एक कथा फिर से पढ़ो, ये मोटी अक्षर वाली। आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है। मतलब अलग अलग कर देना का अर्थ है अलग अलग जानना के, या कर देना? कर देने का अर्थ देखो अध्यात्म क्या होता है, अलग अलग को अलग अलग जानना, इसका नाम अलग अलग कर लिया। तुमने कहाँ कर लिया? अपने ज्ञान में। अलग अलग थे कि अलग अलग कर दिया? थे अलग अलग जानने में आ गए। ऐसे वो मटर की फली तो छिलका अलग हो जाता है, दाना अलग, तो अलग कर देते हैं कि अलग अलग है? नारियल तो नरेटी अलग है, भूल अलग, हर चीज की पैकिंग और मार। तीसरा जीवन मुक्त बताया। पहली दृष्टि मुक्त, जीवन मुक्त तो तीसरे, पहला होता है दृष्टि मोक्ष, यानी उसकी देह होने पर भी मैं देह से रहत हूँ ऐसी नजर, कर्म का उदय संबंध होने पर भी कर्म मुझे छूते नहीं क्योंकि उसकी सत्ता न्यारी है और मेरी चतुष्टयात्मक सत्ता न्यारी, रागादि दोष भूमिका अनुसार होने पर भी आत्मा में ज्ञान स्वभाव और राग स्वभाव एक में एक नहीं होता, जीव तत्व और आश्रव तत्व न्यारे न्यारे रहते हैं, इसका नाम है संयोग से दृष्टि बदल गई, दृष्टि परिवर्तन। फिर दूसरा होता है 10वें गुणस्थान तक कषाय का संबंध उदय, सूक्ष्म सांप्राय लोग 11वें में उपशांत वो, 12वें में क्षीण वो, तो वो कहते कषाय मुक्त हो जाता है 11वें और 12वें। अब कषाय भी नहीं रही सही, क्योंकि जीव को दुख काय का, कषाय का अज्ञान का, आत्म के अहित
विषय कैसा है, पांच इंद्रिय के विषयों में मन जाता है और कुछ क्रोधमान मायालोभ से कुछ करना चाहता है और होता कुछ, होता स्वयं जगत परिणाम। अभी अपन चाहते कि पानी गिरे भी और आना है तो आएगा। ये कसाय मुक्त होता है ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में जीवन मुक्त होता है, यानी इंद्रियां तो हैं, दस प्राण तो हैं अरंत देव की, पर अब इंद्रियां निमित्त नहीं बनेगी उनकी जानने, अब सीधे केवल ज्ञान से जाने, तो वो दस प्राण में उनके चार प्राण भर रह जाते। दस प्राण होने पर भी अब चार प्राण हैं सर, कौन कौन से, जो पहले कितने थे, पांच इंद्रिया तीन बल आयु और श्वासोच्छ्वास, अब कितने बच गए, पांच इंद्रियां भी गई, होने पर भी अब वे अपने लिए निमित्त नहीं बने, मन अब निमित्त नहीं बने, अब कौन सा रह गया, वचन बल काय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये अशक है अभी चल, तो चार प्राण रह जाते अनंत भगवान, तो ये कसाय मुक्त हो गया और तेरहवें गुणस्थान में जीवन मुक्त हो गया, कि देह में इंद्रियां हैं, मन है, द्रव्य मन, तथापि अब वो सीधे केवल ज्ञान से जानेंगे, अब इनकी जरूरत उन्हें लौकिक जानकारी में भी निमित्त नहीं बनी, इसलिए उन्हें जीवन मुक्ति, इनको जीवन कहा जाता है। सांस तो चलती है चलाते नहीं, आयु तो है जितने दिन की तब तक देह, पर न देह को हटाने का भाव रह गया है न देह अपनी मानने का। और चौदहवें गुणस्थान में जब अयोग केवली होते हैं तो जैसे ही चौदहवा समाप्त हुआ कि द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म कर्म से रहत मोक्ष हो जाते, अशरीरी सिद्ध भगवान, और एक मोक्ष और हो गया, कौन सा मोक्ष, ये आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है, इसे किसी ने कर्मों ने देने लागने कभी बांधा ही नहीं, यदि ये बंध जाता तो कभी छूटता नहीं। जैसे पढ़ना ये क्या कह रहे हैं, आत्मा और बंध को अलग अलग कर दिया, यानी अलग अलग जान लिया, अलग अलग जान लिया यानी अलग अलग थे, भगवान की देशना सुनकर आज समझ में आया है कि आत्मा और राग, आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म अलग अलग ही, ये समझेंगे तो इस क्षेत्र में आने का लाभ। अभी तो अपन ऐसा सोचते हैं हम बंधे हैं मुक्त होना, ये समझा रहे पहली क्लास पढ़ो, मैं बन सकता नहीं हूँ और मुझे मुक्त नहीं होना है, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, मुझे बंधन छू नहीं सकता, ये पहली स्वभाव की बात पढ़ोगे, देखो आत्मा और बंध अलग अलग दिखेंगे तो फिर दृष्टि परिवर्तन। अपन तो ऐसे सोच के आए थे कि यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो मोक्ष प्राप्त करने की विधि है कि अपने को मुक्त देव, आत्मा का ज्ञान स्वभाव कभी बंधता नहीं है, बंध जाए तो फिर दो सत्ताएं नष्ट हो जाएं। अध्यक्ष जी बताओ, आत्मा को बंधन हो तो क्या नष्ट हो जाएगा, न आत्मा रहेगा न कर्म रहेंगे, स्वभाव नष्ट हो जाएगा, तो फिर कभी मुक्ति की सवाल का, पूरे जब एक द्रव्य नष्ट होने लगेगा तो ऐसे ऐसे पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, प्रलय पड़ेगा, कभी बंधन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बांध सकता ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कौन सा भाव है, अत्यंत भाव पड़ा है, तो कैसे बंधे, पर बनता है, देखो अपना घर, अपना क्षेत्र, अपने मंदिर, अपने भगवान, ऐसा बंधन है कि नहीं, तो यहाँ क्या होता है, भगवान भगवान के हैं, आत्मा आत्मा का, पहले दृष्टि बदल, आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना यानी अलग अलग जान लेना, यानी अलग अलग जान कर मान लेना, यानी अलग अलग जान कर मान कर अपनी दृष्टि मुक्त स्वरूप का वेदन करना, वितरागता फल आना, मिथ्यात अनंतानंदी का अभाव होना, ये पुरुषार्थ, पर नहीं तो पुरुषार्थ नहीं, पर पढ़ाई भर द्रव्यान युग में असो भी है, द्रव्यान युग में और अध्यात्म में अंतर, द्रव्यान युग ये कहलाता पढ़ाई और अध्यात्म कहलाता है गुनाई, कि तुम जैसा पढ़ते वैसा फीलिंग करो, देखो ऐसा ही है जैसा भगवान ने देखा अनुभव करके, ये पुस्तकें कोई पढ़ के नहीं लिखी है, ये अनुभव करके लिखी, तो उन्हें भीतर देखते थे कुंद कुंदाचार्य देव, तो ऐसा लगता था अहे मैं को खल शुद्ध, मैं तो एक हूँ शुद्ध, एक हूँ शुद्ध कब लगेगा, शुद्धता कब है जब कोई मिलावट ना हो, और मिलावट कहाँ होती, अपने ज्ञान में होती है, अज्ञान में, ये दो चीज़ों में नहीं मिलावट होती,
बता विद्या भाई, शक्कर और नमक मिल सकता है कि नहीं? क्यों नहीं मिल सकता? दोनों पुद्गल हैं, सफ़ेद सफ़ेद है, मिला दो मिल जाएंगे। दूध और पानी मिल सकता है कि नहीं भाई साहब? लैक्टोमीटर बता देगा कि ये दूध है ये पानी। ऐसे ही देह और जीव मिल सकता? नहीं मिला रहा। देखो, देह जल जाता है और आत्मा निकल जाता है। ऐसे ही समझ लेना। अब राग और ज्ञान ये भी कभी एक रूप नहीं होते। हो जाए तो फिर आश्रव तत्व और जीव तत्व का नाश हो जाए। तो कभी ऐसा होता ही। कोई कहता है कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण। अब कुछ लोग करणानियों को पढ़ते रहते हैं और वो कर्म की फिलासफी से अपने आप को ऐसा मानते हैं। हम सब जानते हैं आठ कर्म होते। कितने कर्म होते बहन जी? आठ कर्म। और आठ के विशेष कितने कर्म होते हैं? 148 होते हैं। अपन को कौन से कर्म का उदय चल रहा? मंदर आए अभी तो। मंदर आने वाला भाव अभी कौन सा भाव? शुभ भाव है क्या? शुभ भाव, शुभ भाव। ये किस कर्म का उदय है? ये जो जिनवाणी सुनने का भाव, ये कौन सा भाव है? शुभ भाव। ये शुभ भाव किस कर्म के उदय में होता है? चारित्र मोह के उदय में होता है। तो अपन को अभी कौन सा कर्म का उदय चल रहा है? चारित्र मोह, दर्शन मोहनी में श्रद्धा विपरीत, और चारित्र मोह के उदय में कसाय शुभ अशुभ, ऐसे है ना। अभी नींद आती तो बताओ नींद कौन से कर्म के उदय में? दर्शनावरणी के उदय में। हंसी आती तो किस कर्म के उदय में? हास्य कर्म के। ऐसे कर्मों के विभाग बताए। अच्छा बताओ अभी अपन को कर्म का उदय है कि कर्म से बंधे हैं कि नहीं बाबू जी? अब नहीं बंधे। आठ कर्म से बंधे हैं कि नहीं पंडित जी? है ये समझा रही जिन्होंने, जिन आचार्यों ने हमें ये पढ़ाया था कि ये जीव अज्ञानता से जो अपराध करता उसे आठ कर्म बनते, प्रति समय सात कर्म बनते, वही मोक्ष ये समय सारजी में पढ़ाया जा रहा है कि आत्मा का स्वभाव कभी बंधता नहीं है। यदि स्वभाव बंध जाए तो मुक्त होने की कोई गली नहीं रही। जिन आचार्यों ने लिखा कि तुम्हारे विराधक परिणाम से कर्म बंध रहे हैं, वे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा फिर भी स्वभाव बंधता नहीं है। यदि आत्मा बंध जाए तो फिर मुक्त कैसे हो? तो कर्म बंध है कि नहीं? कर्म का बंध है। बंध है तो उसके कारण भी होना चाहिए। तो विराधक भाव, विराधक भाव यानी मिथ्यात अज्ञान अविरति प्रमाद कसाय युग के परिणाम है। इनके निमित्त से कर्म आते हैं, बनते हैं, उदय आता है, संसार चल रहा है, इसके बावजूद भी आत्मा आत्मा रहता है और शरीर शरीर एक में एक नहीं। गजब की पद्धति, यानी जैन शासन के अलावा ये बात भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि केवल ज्ञान में देखी गई बात है ये सब। तो बंध का ज्ञान करे तो मोक्ष नहीं होगा। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का उपाय नहीं है। बीड़ी आदि से बंधे जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होता नहीं है, वो कारण नहीं सही। उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को भी, अब वो रात दिन यही तो पढ़ता कि मेरे ऐसे बंध रहे ऐसे बंध रहे, ये नहीं सोचता कि बंधन के काल में भी मुझे कोई नहीं बांध सकता। स्वामी जी जब दिगंबर मत में आए ना तो मालूम क्या कहते थे कि कोई व्यक्ति आग पर चलता दिखे और जले ना तो तुम्हें आश्चर्य होता है, और ये चारों कसायों से और साथ में नरक की प्रतिकूलता से लौट के आया और पूरा सुरक्षित है, इसके बारे में चमत्कार नहीं। ये आत्मा चमत्कारी तत्व है, चमत्कार नहीं दिखता। अपना ज्ञान स्वभाव कितना भी सिरदर्द हो, मौत आ जाए सामने तो अभी ज्ञान की मौत नहीं आती, ज्ञान जानते हैं। क्या चमत्कार है कि अपने पास वो अद्भुत वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बनती नहीं है, कभी घटती नहीं है, कभी बढ़ती नहीं है, किसी बाहर से आती नहीं है, बाहर जाती नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया को अपने घर में बैठे बैठे जान लेती है और निर्भर रहती, पर ये स्वरूप नहीं मानने से दिन भर कैसा लगता? अब अंत बनाओ, फिर काम करो, फिर खाओ, फिर दिन भर शरीर के साथ बैठ जाओ, पर्याय में खड़ा रहता है। ये बंधन है, इसकी आकुलता है। एक व्यक्ति आए श्रीमद राजचंद जी के पास, तो बोला साहब आप ज्ञानी जीव हैं, हमें आत्मा का दर्शन करा।
हमें आत्मा देखना। तो उन्होंने कहा कि अभी थक गए हो, आराम करो, सवेरे अपन बात करें। उसकी थाह लेने के लिए 2 बजे रात को उसे जगाया और उससे कहा, क्यों भाई प्यास लगी है? तो उसने कहा कि मैं रात में पानी नहीं पीता, तो जाओ। और सवेरे उठे कि अभी थोड़ी और तैयारी करो, ढंग से स्वाध्याय करो, बैराग जगाओ, फिर आओ। तो प्यास में पानी कैसे दिखा? हरी साहब अभी पिलाओ। कैंसर वाले से कहो, क्यों भाई कैंसर की दवा चाहिए? कि वो तो प्राण देने के लिए तैयार, मकान भेज दे, सब कर दे, वो जानता है कि कैंसर क्या करे। अब मिथ्यात का कैंसर अपन को कष्ट नहीं लगता। तो जनक राजा की कथा आई थी, सन्मत संदेश में आती कि एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आप इतने बड़े वैभव में ऐसे विरक्त कैसे रह सकते? आप तो राजा उलझे हो गए, कैसे ऐसे रह सकते? उन्होंने कहा अपन कल बात करेंगे, 12 बजे आना, जाप सामायिक की बात अपन मिले। और वो 1 बजे आया तो जनक राजा एक खम्भे को पकड़ कर रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो, आपके एक खम्भा हमें छोड़ता है। कहीं खम्मा नहीं छोड़ता, ये तो गजब की बात, ऐसा कैसे होगा, खम्मा कैसे पकड़ लेगा? उसे सिखाना था कि घर होने से घर का राग नहीं होता है, अज्ञान होने से घर संबंधी राग होता है। जो अपने को भूलता है वो बनता है, वो अपने को आत्मा जानते थे उन्हें कौन मान सकता। अभी बात देखो, अपन को संयोग दिख रहे हैं, अरे राज कर रहे हैं, लड़ रहे, भिड़ रहे, डांट रहे हैं, तो ये कैसे निर्मोही होंगी? क्योंकि ये दृष्टि बदल जाने पर फिर उन्हें कोई देह में एकत्व तो करा नहीं सकता। 3 गाथाओं में समझ में आई, कर्म के बंध की जानकारी से मुक्त नहीं हो, दूसरा चिंता करने से मुक्त नहीं हो, तीसरा ये जो आत्मा है अभी भी बंध के काल में भी बंध से रहते है। क्यों है बंध से रहत? क्योंकि आत्मा का स्वभाव आत्मा के पास रहता है, दूसरा द्रव्य इसमें प्रवेश नहीं करता है, तो बंधेगा कैसे? करणानुयुक्त शास्त्रों में कर्म बंधन की प्रक्रिया का विस्तार से निरूपण है। जो लोग ये सब समझते हैं कि हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं ना कि कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, उससे कहते हैं कि कर्म शास्त्रों का अध्ययन करके संतुष्ट है, ऐसा मान रहे हैं कि हम बड़ी धर्मात्मा हैं और हमारे कर्म बंधन तो हमारे इस कर्म शास्त्रों के अध्ययन मनन से ही कट जाएंगे, तो वे बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि बंधन के ज्ञान से बंधन नहीं कटे। फिर कैसे कटते हैं, ये तो विधि वही खुद बताएंगे। ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों में जो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इनको जानता है। जीव कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता, किंतु जब मिथ्यात और रागादि से रहित होता है तब अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूप में स्थित होता हुआ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। देखो विधि बता दी, अभी आगे बताना थी, अभी टीका में बता दी डॉक्टर साहब। फिर से ये प्रगति बंध, प्रदेश बंध है, जैसे आचार्य की, हाँ, जैसे स्वामी ने और अधिक स्पष्ट किया कि देखो कर्म बंध होता है ना, तो उसमें स्थिति, अनुभव, प्रकृति, प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध, इनको जानता हुआ भी जीव कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता, किंतु जब मिथ्यात और रागादि से रहित होता है, मिथ्यात से रहित होता है यानी कौन बताए, जब जीव मिथ्या से और रागादि से रहित होता है तब वह अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूप में स्थित होता हुआ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। काय से रहित होता है? मिथ्या से और रागादि से। कैसे होता है मुक्त? मिथ्या से कैसे? जब वो तत्व निर्णय करता है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मूल वस्तु हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ, ज्ञायक हूँ, आत्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ, शाश्वत देव हूँ, जीव हूँ, जिनेन्द्र के समान हूँ, जब ऐसा उसे विश्वास होता है कि 6 द्रव्यों में मैं एक जीव द्रव्य हूँ परिपूर्ण,
अनंत गुणों का भंडार, मेरा स्वभाव सामर्थ्य है और मेरा स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, बदलता नहीं है। अनादि से जीव है और जीव रहेगा, अनंत गुण है तो अनंत गुण रहेंगे, एक भी गुण घटते बढ़ते नहीं है। ऐसी मैं मूर्ति तो अनादि से हूँ और इसमें जितना भी परिणमन हुआ है ना, राग देश मोह मिथ्या, वो सब परिणति में हुआ है। तो वो अपने को स्वभाव से द्रव्य गुण से देखता है परमात्मा, तो उसे मुक्त स्वरूप दिखाई देता। अभी कैसा दिखाई देता है, ये बहने बैठी, महिलाएं बैठी, इस तरफ पुरुष बैठे, ये बहने हैं कि आत्मा बताओ। बड़े पंडित जी कहते हैं कि दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में कैसे घुस गए, सोचो। कभी आत्मज्ञानी जीव थे ना, तो शेर के पिंजरे में कोई नाम लेने में डर लगता है, उसके सामने भूखा शेर होती ईंधन का, और वो घुस के उसे खीर और पूड़ी खिलाना चाहते, जलेबी खिलाना चाहते, ऐसा संभव है क्या? उत्तरी अंश है, खुंखवार है, और वो कैसे घुस गए बताओ भाई साहब। वो अपने को आत्मा देखते थे और सामने वाले को आत्मा देखते थे, तो आत्मा आत्मा को खाता है। ये मिथ्या और अनंतानंदी न होने का फल है उसके सामने प्रवेश, ऐसे नहीं प्रवेश कर सकता। क्या गजब की बात है, हाथी के पैर के नीचे दबने तैयार है कौन? आचार्य कल पंडित तोरमल जी। क्यों? क्योंकि वो अपने को आत्मा मानते और हाथी को भी आत्मा मानते, तो मैं कैसे मानूंगा? ये मिथ्यात राग से रहत होने का आनंद है। अपन समझ रहे मोक्ष बाबू जी, डॉक्टर साहब अपन क्या समझ रहे, गुरुदत्त भगवान मोक्ष चले गए, इनका मोक्ष हो गया, अपने को कहाँ होगा? कि तू त्रिकाल मुक्त है, जैसे गुरुदत्त भगवान मुक्त है ऐसे ही प्रत्येक आत्मा मुक्त है। वो उनको रुचि हो गई और स्थिर हो गए तो वो आनंद हो गए, अपन उसका विश्वास जगाएं, इसके लिए समय सार जी मिला। देखो ऊपर जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष यहाँ, क्योंकि आत्मा मुक्त स्वरूप है, तो जब देखे तब मुक्त स्वरूप का आनंद वेदन कर। सीता जी लंका में, डॉक्टर साहब, और हृदय उनका कहाँ था? राम में, लाखों मील दूर लंका, रावण का डर प्रलोभन सब सामने सता रहा था, और वो उनके चित्त से राम उतर नहीं रहे थे, और इतना आखिरी सब जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली और जाने लगे, तब एक बार फिर जोर से बोले, अब देख तेरे पति की गर्दन कटेगी, मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके जाऊँ, अब खैर मना किसकी। तो वो फिर से बोली आखिरी कि मैं जानती हूँ कि मेरे पति की पति का मरण तुम्हारे द्वारा हो सकता है, परंतु उनसे ये कह देना कि सीता तुम्हारा ध्यान करते करते प्राणांत को दे को छोड़ के चली। जब उसने ये शब्द सुने तो माथे पर हाथ ठोका, अरे रे इतनी पवित्र, मरने की कीमत पर भी ये पति को नहीं छोड़ रही, मैं कितना पापी हूँ जो इतनी सती पवित्र आत्मा को सताता। रावण रोने लगा अंदर से, हिल गया कि ये व्यक्ति वहाँ देखो तो राम बहुत पवित्र है, अष्टान का पर में उसने हमारा बिल्कुल उपद्रव नहीं किया, हम बहुरूपणी विद्या से दिखे, और यहाँ देखो तो सीता का हृदय देखो और मैंने इन दोनों को सताया, मैं बहुत पापी। यानी बहुत सज्जन व्यक्ति था ये रावण, पंडित था, विवेकी था, न्यायी था, पर पूर्व का उदय ऐसा विचित्र आया कि सीता के प्रति 36 भाव से चल रहा, हिरणी बने, हथनी बने, सूकरी बने, लक्ष्मण और ये रावण दोनों खड़े हो जाए, हाथी बन के वो हथनी बन के खड़े, ऐसे 36 भाव चल पद्म पुराण में। और देखो वही पिता पुत्र बनना, अभी जो सीता के पीछे परिणाम बिगड़े रावण के, वही सीता जिसको इतना सताया, वही नमोकार मंत्र और आत्मज्ञान कराने गई नरक में। कोई व्यक्ति थोड़ी अशुद्ध होता है, वो परिणति की बात है, एक समय की परिणति है, परिणाम आया बिगड़। राजा का जन्मदिन था भैया, बहुत उसमें आई पंडित जी कथा में, राजा का जन्मदिन था और रथ निकाला जा, परिणामों की विचित्रता बता, और वहाँ एक पसारी का काम करने वाला ऊपर से तिखंडे से ऐसा हाथ जोड़ करके और राजा का अभिनंदन कर रहा, सारे लोग साथ चल रहे थे,
अभिनंदन कर रही, माला पहना रही, जय बोल रही थी। ऐसा राजा भी बड़ा धर्मात्मा था और प्रजा का बहुत हित चाहता, ऐसा अच्छा राजा था। तो यहाँ उपसारी का काम करने वाले के भी बहुत बहुमान आए कि ऐसा सुंदर राजा है, कैसा है, इसका अभिनंदन करना चाहिए। और खड़ा ऊपर तो राजा भी खुश और वहाँ पसारी भी, उनने उसको देखा, इनने उसको देखा, चले। अब राजा के दिमाग एक मिनट बदला और यहाँ पर पसारी का बदला, यानी राजा मर जाता तो हमारा सारा चंदन बिक जाता। और यहाँ राजा का विचार आया कि साला ऊपर से खड़ा खड़ा अभिनंदन करता है, नीचे भी नहीं उतर सकता, इसकी फांसी की सजा। राजा तो राजा, तो यहाँ परिणाम भीतर भीतर हो रहे और उसके भी परिणाम भीतर भीतर हो रहे। इतने में थोड़ी देर में वो क्या कहता पसारी, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, इतना सज्जन राजा और इसके प्रति मरण का सोचा, मेरी अकल खराब है, ऐसा कभी विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा राजा, इसकी उपस्थिति में मेरे व्यवसाय चलता है, मुझे आदर मिलता है, मैं उनका मरण सोच। यहाँ राजा कहता है अरे उसने क्या बिगाड़ा, मैं ऐसे सेठ को मार के क्या मिल जाएगा मुझे। समझ में आया कैसे बनता है, कैसे छूटता है, ये बंधा है ही नहीं, स्वभाव बनता ही नहीं और स्वभाव को मुक्त होना ही नहीं, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। पर ये घर गृहस्थी से अपने को भूल भूल करके मैं भूल स्वयं के ऐसा बंध रहा, बताओ इसे कौन छुड़ाए। अनंत ज्ञानादि गुणात्मक, ये बातें देखो इतनी छोटी सी लाइनों में लिखी, इतना वैभव है आपका हमारा। अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूप आत्मा है, ये कब से है, अनादि काल से। कौन, मेरा आत्म स्वभाव, इस शरीर में देखो ऐसा शरीर हो गया तो अभी आत्मा कैसा है, वैसी सिद्ध हो जाए। ये पेड़ देखो कैसी रचना हो गई, एक इंद्रिय के लायक ज्ञान रह गया, परंतु ज्ञान स्वभाव कितना वैसे ही सिद्ध हो जाए, ये गजब की बात। अनंत गुणात्मक है, ठीठी अनंत गुणात्मक है पेड़ जो खड़ा, सब जीवों में एक से गुण होते अनंत अनंत अनंत, उसे लिखा परमात्म स्वरूप है। बाबू जी परमात्म स्वरूप है कौन, अपना भगवान आत्मा। दो बातें हैं, इसकी बात समझ में आना चाहिए निर्णय में, और अनंत महिमा आना चाहिए। अभी ने लिखा अनंत गुणात्मा को परमात्मा, अपन ने सुन लिया और अपने ऊपर आश्रय नहीं, तो अपना उपयोग वहीं जाएगा जहाँ अपनी सत्ता मान के बैठे। अपन को देखो अभी यहीं बैठे बैठे वो चौके में पहुँच जाएंगे और खाने पाने की तैयारी कर लेंगे यहीं बैठे बैठे, क्यों, क्योंकि उसकी महिमा भरी है, तो उससे समाधान देखते। और ये कह रहा है कि जिसे अनंत गुणात्मक आत्मा का श्रद्धान निर्णय पूर्वक हो गया तो पता कैसे चले कि उसका उपयोग लौट लौट के इस तरफ जाए, इसलिए इसमें परमात्मा शब्द डालना पड़ता, क्योंकि ये जीव को सब हर चीज़ भगवान दिखती, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने से अन्यन, पूरा विश्व तो इसे महिमा मंत दिखती। अभी एक व्यक्ति आ जाए और कहे कि इस मिशन के लिए हम 1 करोड़ का चंदा दें तो सब लोग उसकी तरफ देखते, अरे एक ही लाख दे दी कोई ऐसे लॉकडाउन में, ये कितना दानी यार। ये कह रहे हैं अनंत गुणात्मक आत्मा महिमा नहीं है, नहीं आती तो वो कह रहे हैं ये लाओ। रावण ने कहा कि ये सीता पसंद नहीं करती, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो मंदोदरी ने कहा तुम ऐसा करो तुम राम का रूप बनो, राम का रूप बनाओगे तो ये पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये भी कर लिया तो क्या रिजल्ट आया कि जैसे ही हम राम मनते थे तो एकदम सज्जन हो जाते थे, अरे ये मेरी बहन जैसी मैं कैसा सता रहा, इसलिए जल्दी से छोड़ देता था राम मन, कैसा संसार। ये इतनी ऊंची बात कभी सुनने मिली भाई, आपको कोई घर में कहता तुम भगवान, एक आदमी नहीं मिलेगा और भगवान खुल के कहते। प्रत्येक जीव परमात्म स्वरूप है, हर व्यक्ति में अनंत गुण भरे हैं, अनादि अनंत है, चैतन्य स्वभाव है, अकर्ता स्वभाव है, इसने आज तक परद्रव्य का कुछ किया नहीं, परद्रव्य ने अपना कुछ किया नहीं, ऐसा परम पवित्र तत्व का नाम आ, इसमें स्थित भर होना है। दो तरह से स्थित, दृष्टि अपेक्षा और परिणति की अपेक्षा। सर्व कर्म बंधन से छूट जाएगा, पहली नजर बदलती है और फिर ठहरना होता। पाठांतर में यह भी है जब यह उन कर्म बंधनों को छीनता है
तब मुक्त होता है। ये आगम वचन कहना, ये ज्ञान कराना पड़ता है ना। जैसे करो ना पॉजिटिव पाएगा और 14 दिन बाद निगेटिव हो जाते और वो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे यहाँ से दराई से जहाँ हम रहते हैं जबलपुर में 20 आदमी ले गए, 10 राठौर के 10 जैन और 14 दिन लगा। तो जब भी आते थे तो खूब थाली बजा बजा के उनका स्वागत करते, ये विजय करके आए कोरोना विजय, और उनसे पूछते थे क्यों भैया तुम्हें क्या हुआ, पता ही नहीं। जब जाते थे तो बोले ऐसे ही गए थे और आए तो बोले ऐसे ही गए, पता नहीं ये 14 साल बनवास ऐसा है। आत्मा का कुछ होता ही नहीं, ये चार गतियों में घूम आता है, नरक में घूम आता है और ज्यों का तो बेटर है। जो लोग कर्म शास्त्रों में कथित प्रकृति आदि बंध के ज्ञान से ही संतुष्ट हैं, वो उनको समझना चाहिए, क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि रूप वितराग चारित से रहत लोगों को बंध के ज्ञान मात्र से स्वर्गाधिक सुख का निमित्त भूत पुण्य तो बन सकता है। देखो अपन स्वाध्याय करें और करना नियोग ले लें, कोई भी अनियोग, आपको बताओ पाप बनता होगा डॉक्टर साहब कि पुण्य बनता होगा जितनी देर अपन स्वाध्याय करें, कहते हैं जैसे परिणाम ऐसा लगे कि कब बंद हो, ऐसा लगे कि कितनी देर और चलेगा कि भैया अभी तो 10 मिनट 5 मिनट हो, तो इतनी देर तक अपन का करेंगे पाप बंद। अपने उत्तम चंद जी थे ना, वो कहते थे यदि तुम घड़ी देखोगे तो पाप बंधेगा और हम घड़ी देखेंगे तो पुण्य बंधेगा। हम घड़ी इसलिए देखेंगे कि तुम्हें सताना नहीं आकुल तर, और तुम घड़ी इसलिए देखोगे कि कब बंद कर दे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मिथ्या संतोष से अपन ने कभी शास्त्र भी सुन लिए पुण्य भर बांधा। आज तो बहुत अच्छी चर्चा रही, कैसी रही, अपन कामी हैं पापी हैं अज्ञानी जी चर्चा कर लगे। अरे कामी पापी परिणति होने पर भी आत्मा का स्वभाव भगवान जैसा, ये पूरा पढ़ के नहीं आए अपन, अधूरा ज्ञान, हम तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, ये पढ़ाई पूरी नहीं है, ये परिणति की पढ़ाई। क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि रूप वितराग चारित से रहत लोगों को बंध के ज्ञान मात्र से स्वर्गाधिक सुख का निमित्त भूत, देखो स्वर्ग भी चला जाएगा पुण्य भी बंधेगा, परंतु अब बताओ अपन आए काय के लिए थे, स्वर्ग जाने के लिए आए थे, स्वर्ग मार्ग प्रकाशक है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तत्वार सूत्र का दूसरा नाम क्या है मोक्ष शास्त्र, तो पुण्य शास्त्र लिखते थे स्वर्ग शास्त्र, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इस व्याख्यान से कर्म बंध के निरूपक शास्त्रों के अध्ययन मनन में ही संतुष्ट लोगों का निराकरण, जो निषेध नहीं किया कि नहीं पढ़ना, क्योंकि स्पष्टता बढ़ाने के लिए सब पढ़ अपने चारों अनियोग पढ़ने के लिए स्वाध्याय करें, पर पक्ष लेकर संतुष्ट होकर और जो उपाय आत्मा को जानने का रुचि जगाने का नहीं किया वो पढ़ाई अधूरी। देखो यहाँ आचार्य देव का कर्म शास्त्र के विस्तार में जाने को प्रपंच तक कह दी थी, वैसे प्रपंच शब्द का अर्थ विस्तार ही होता है, तात्पर्य है कि आवश्यकता अनुसार प्रयोजनभूत जानकारी का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक समय के परिणाम को गिनाएगा कौन, देखो प्रमाद में कैसा समय जा रहा, हम नींद लेंगे दिन में ज़्यादा सोएंगे, दर्शनावरणी घोर बने ज्ञानावरणी बने, अपनी परिणामी का फल तो आता, अपना भला बुरा कैसे अपने परिणामी से, तो यदि तुझे सुखी होना है तो कसाय मत कर। जैन शासन का संसार घटना चाहिए, कसाय मिटना चाहिए, ये उद्देश्य है, कहीं यही नहीं मिटते और इतने ही घंटा पढ़ते रहते तो कोई ऐसा नहीं। तो आवश्यकता अनुसार प्रयोजनभूत जानकारी का निषेध नहीं है, तथापि उसी में उलझे रहना यह मानना कि यह मुक्ति का, हम रोज देखो मंदिर जाते हैं स्वाध्याय करते पूजन करते हैं, ऐसा कहता है अभी, ये नहीं कहता कि हम आत्मा नहीं जानते, ये अभी दर्द नहीं हो रहा है पंकज भैया, अपन पूछे बता क्यों आए मंदिर, तो उत्तर नहीं है अपने पास। रजनी भाई पूछती थी वहाँ विधान कराया था शिखर जी में, तो नई नई लड़की थी, उसी का भैया विधान क्यों कराया, क्यों क्यों उद्देश्य, क्या उद्देश्य तो मंदिर क्यों आए, सास क्यों सुन रहे, यहाँ पंडित जी हमें कुछ नहीं, हमें मम्मी ने कही कि चलो दर्द ही नहीं है, यानी कोई ऐसा बेहोश व्यक्ति की भाषा है कि उसे दर्द नहीं है कि 9 महीने हम गर्भ में कैसे रहेंगे,
हम जन्म मरण का कष्ट कैसे भोगेंगे, हम चार गति में पहुंच करके कितनी भिलके हैं। आज अपन देखते कुत्ता को ऊपर गए थे तो एक कुत्ता को वहाँ कौन रोटी बनाए कौन खिलाए पहाड़ पे, और बैठा था पेट बिल्कुल चिपक गया था। कौन पूछे बंदर कितने थे, अपन किस बंदर को क्या ले जाओगे क्या दे दोगे, उनका पुण्य होगा तो संयोग बनेगा। कैसी कैसी पर्याय जीव की बीती है, उमायचारी छूटती नहीं तो त्रियंशी गति आने में कितनी देर लगी। तो कहते भैया ये सब ज्ञान हमारे करणान युग में कराया जाएगा कि इन परिणामों का फल आता है, परंतु ये दुख का रोना ही रोता रहे और उपाय न करे आत्मजान तो कसाय जो की तो नहीं, ऐसी कसाय नहीं मिटेगी, अपना वैभव देख के मिटेगी। स्वामी जी ने बताया एक व्यक्ति था, वो बोला कि साहब अकाल पड़ा है बारिश नहीं हो रही, हम क्या खाएं क्या पें। तो राजा का जाने अकाल, उसने कह दिया कि खीर खाओ खाजा खाओ। वो क्या कह रहा था गरीब आदमी कि बाबू जी हम खाएं क्या। तो राजा साहब को नहीं समझ में आया अकाल क्या होता है, जैसे नरेंद्र मोदी आकाश में चलता है गाड़ी, तो वो कह जाने कि किसके रोड में कितने गड्ढे, उन्हें क्या पता, ये तो जो चले वो जाने। तो राजा बोला कि खीर खाओ खाजा खाओ। तो उसने कहा मंत्री साहब ये राजा साहब बोल कर रहे हम लोग भूखे मर रहे, ये क्या बोल रहे कि भैया ये नहीं जाने अकाल अकाल, इनको तो 24 घंटे सुकाल इन्वर्टर लगा है, इनको पता ही नहीं चलता कि बिजली कब चली गई, इनके तो 24 घंटे आश्रय बंद। ऐसे अपने आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हें पता नहीं जैन कुल में आ गए, कुछ पुण्य का उदय लेके आए, दो टाइम बराबर खाना मिलता पीना मिलता प्रकाश मिलता है, अभी तुम समझ में नहीं आ रहा चार गति में क्या कर, और पुण्य के उदय में तुम आत्मा को भूले हुए हो, अनंत कष्ट में हो, और आत्मा अनंत आनंदमयी है उसे जान लो सब कष्ट में। इस तरह से अंतिम लाइन है कि इसी में उलझे रहना यह मानना कि मुक्ति का साधन है, हमें इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसे संतोष नहीं कर लेना। मिथ्या संतोष बहुत बड़ा पाप है, जब तक सच्चा डायग्नोस ना हो जाए निर्णय लेकर हम उसको उपाय में न लगे। अब उपाय कल से अपन इसमें पढ़ें। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।